कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया द्वारा अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी को लेकर जिला भाजपा और देवझरी ग्रामीण मंडल द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया के नेतृत्व में कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया गया। उक्त जानकारी देते हुए जिला भाजपा मीडिया प्रभारी योगेंद्र नाहर ने बताया कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम में झाबुआ के कांग्रेसी विधायक कांतिलाल भूरिया ने भारत के यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी की थी। इसी को लेकर आज जिला भाजपा एवं देवझरी ग्रामीण मंडल द्वारा झाबुआ बस स्टैंड स्थित फवारा चौक पर कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर कांतिलाल भूरिया मुर्दाबाद एवं माफी मांगो कांतिलाल के नारों से गुंजायमान हुआ। समूचा फवारा चौक तथा भाजपा ने कांतिलाल भूरिया से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। उम्र के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आए दिन वो कई प्रकार के अनर्गल बयान देते रहते हैं। कल उन्होंने राणापुर में उनकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हो रही थी उस दौरान दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम सम्मानी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करी, वो बिल्कुल घोर निंदनीय है। कांतिलाल भूरिया के इस कृत्य को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 19 मंडलों में पुतला दहन के साथ विरोध दर्ज कराया है। अगर कांतिलाल भूरिया सार्वजनिक रूप से अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हम इसको फलिए फलिए हर बूथ पर, हर गांव में, हर घर तक इसके इन कृत्यों को उजागर करने का हम काम करेंगे कि 40-45 साल तक राजनीति करने के बाद किस प्रकार से किस व्यक्ति के बोलना चाहिए। लेकिन कांतिलाल जी भूरिया इस सारी चीजों को भूलते हुए देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल घोर निंदनीय है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।